तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश का असर उड़ानों पर भी पड़ रहा है। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भरने की वजह से उड़ानों को रोकना पड़ा और रनवे पर पानी भरने की वजह से उन्हें चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करवाया जा सकता, इसीलिए उन्हें बेंगलुरु अब डाइवर्ट किया गया है। साथ ही चेन्नई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ वक्त के लिए बंद भी कर दिया गया है, क्योंकि देखिए जो तटीय क्षेत्र है वहां पर अलर्ट प्रशासन का लगा दिया गया है और 100 किलोमीटर का जितना भी एरिया है तटीय क्षेत्रों के आसपास का उसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि वहां पर कोई भी ना जाए, क्योंकि जो तूफान मेगजॉम है वो कभी भी टकरा सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए रनवे पर किस तरीके से पानी भर गया है और मेगजॉम तूफान आने वाला है उसको लेकर अलर्ट वहां पर प्रशासन पहले से ही है और ऐसे में अलर्ट के जरिए कई सारी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं और रनवे पर पानी भर गया है और यही कारण है कि कई सारी ऐसी जो उड़ानें हैं उनको डाइवर्ट करने का भी ये बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए किस तरीके से पूरा जो पानी है वो रनवे के पूरे इलाके में फैल चुका है और ऐसे में मूसलाधार बारिश वहां पर काफी वक्त से हो रही है। मेगजॉम तूफान का ये कहर है और उसी से जुड़ी ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। रनवे पर पानी लगातार भर गया है, कई सारी फ्लाइट्स को रोकना पड़ा है, कईयों को डाइवर्ट भी यहां पर करना पड़ा है और भारी बारिश और रनवे पर पानी भरने की वजह से चेन्नई आने वाली सभी उड़ानों को फिलहाल रद्द भी कर दिया गया है और शाम 6 बजे तक सभी चेन्नई की उड़ानें रद्द भी रहेंगी। और वही बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान मेगजॉम खतरनाक होता जा रहा है। समंदर के तटवर्ती इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। रनवे पर पानी भरने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है ताकि अगर कुछ भी अनहोनी हो तो तुरंत उनको वहां पर पहुंचाया जा सके। जितनी भी इंटरनेशनल उड़ानें हैं उनको भी डाइवर्ट करना पड़ा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये रनवे की तस्वीर है। मूसलाधार बारिश क्योंकि वहां पर लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जो चुनौतियां हैं वो अब और ज्यादा बढ़ गई हैं और तूफान जैसे जैसे नजदीक आएगा वो और भयानक तस्वीरें अपने साथ लेता हुआ सामने आएगा। लेकिन रनवे पर किस तरीके से पानी भरा है और मूसलाधार बारिश की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर कई सारी जो उड़ानें हैं उनको रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कई उड़ानों को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान मेगजॉम खतरनाक होता जा रहा है। समंदर के तटवर्ती इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। रनवे पर पानी भरने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। मेगजॉम तूफान, डूब गया एयरपोर्ट, ठप उड़ान। मेगजॉम के दस्तक से पहले तबाही का मंजर। मेगजॉम तूफान का कहर, डूब गया चेन्नई शहर। तमिलनाडु में मेगजॉम तूफान के तट से टकराने से पहले ही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। मूसलाधार बारिश की वजह से चेन्नई में रनवे से लेकर सड़क तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उड़ानों को ठप कर दिया गया है, जबकि सड़कों पर गाड़ियां तैरती नजर आ रही हैं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। एम्बुलेंस के टायर पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं, तो कई जगह पता लगाना मुश्किल हो गया कि सड़क आखिर है कहां। भारी बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना तक दूभर हो गया। तूफान के खतरे से निपटने के लिए एहतियातन पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश के चलते एयरपोर्ट पर उड़ानों को भी रोक दिया गया है। रनवे पर पानी भरने की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग भी नहीं हो पा रही है। भारी बारिश के कारण फ्लाइट्स को बेंगलुरु डाइवर्ट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 22 टीमों को तैनात कर दिया गया है। 11 टीमें आंध्र प्रदेश और 11 टीमें चेन्नई में मोर्चा संभाले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक साइक्लोन मेगजॉम की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और कल इसके स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 105 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होने की आशंका जाहिर की गई है। हालांकि तूफान की दस्तक से पहले तबाही का दौर अभी से शुरू हो गया है।
और तमिलनाडु में कई जगहों पर जबरदस्त बारिश से पानी भर गया है, सड़कें गायब हो गई हैं और ऐसा लगने की वहां दरिया बह रहा हो, जिसकी कई सारी तस्वीरें भी वहां से लगातार सामने आ रही हैं। चेन्नई के एक इलाके में तो एक रिहायशी इलाके में इतना ज्यादा पानी भर गया है कि वहां पर खड़ी गाड़ियां उसमें पूरी तरह से डूब गई हैं। और इतना ही नहीं, पानी का जो बहाव है वो इतना तेज था कि कई गाड़ियां बहने लगी, जिसका वीडियो भी इस रिहायशी इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने बना लिया, जिनके उस वक्त होश उड़ गए थे जब उन्होंने सुबह उठकर अपने घरों के बाहर इस तरीके का सैलाब देखा, जिसमें गाड़ियां बहती हुई दिखाई दी और पानी का बहाव तेज होने की वजह से गाड़ियां काफी दूर तक बहती हुई चली गई और फिर एक गाड़ी पानी की मार से दूसरे पर चढ़ गई और लोगों की पार्किंग में पानी भर गया, जहां खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से डूबी हुई नजर आई। इसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने वहां पर लगातार अलर्ट भी जारी किया हुआ है और एक के बाद एक कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने वहां से आई हैं। और एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कई सारी रिहायशी इलाके नहीं बल्कि समंदर के पास का ही इलाका हो। आप देखिए, जो तटीय क्षेत्र है खासतौर पर, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है और मिगजॉम तूफान, जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है, वो कभी भी तमिलनाडु के इन तटीय क्षेत्रों से टकरा सकता है। चेन्नई में मिगजॉम तूफान का असर दिखाना शुरू हो गया है। यहाँ आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चेन्नई के सड़कों पर पानी भरने लगा है। निचले इलाके में कई जगहों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गई है और चेन्नई के एयरपोर्ट भी बंद हो चुका है और फ्लाइट्स बेंगलुरु की तरफ डाइवर्ट की गई है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की एक टीम तैनात कर दी गई है और अब कुल एनडीआरएफ की 22 टीमों को वहां पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि खतरा बढ़ता जा रहा है। 11 टीमों की तैनाती आंध्र प्रदेश में है और 11 टीमों की तैनाती चेन्नई में की गई है। फिलहाल साइक्लोन मिगजॉम की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और कल इसकी स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 105 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो जाने की संभावना बताई जा रही है और 4 प्रमुख राज्य इस साइक्लोन से प्रभावित होने का अनुमान है और ये हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पुडुचेरी। हालात पर केंद्र भी लगातार नजर बनाए हुए है और तेज बारिश की वजह से चेन्नई में कई इलाकों में पानी भर गया है। कई इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए। जो तस्वीरें चेन्नई के अलग अलग इलाकों से सामने आई, उनमें ये पहचान पाना बेहद मुश्किल हो गया कि आखिर ये इलाका कहां का है और सड़क वहां पर मौजूद है भी या नहीं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आई, जो किसी दरिया से कम नहीं लग रही थी, जिन्हें लोग मुश्किल से पार करते हुए दिखाई दिए। देखिए, चुनौती कम नहीं है और इसी वजह से अलर्ट पर प्रशासन भी लगातार दिख रहा है और केंद्र की भी नजर इस पूरे तूफान पर बनी हुई है, क्योंकि अगर ये तट से टकराएगा तो बेहद खतरनाक तबाही भी लेकर साथ में आएगा। और वहीं चेन्नई में भारी बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। अंडरपास में पानी भरने से उसमें गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। पानी ज्यादा होने की वजह से कुछ ही देर में गाड़ियों में पानी मानो जल समाधि ही उसने ले ली हो। और ऐसा ही हाल चेन्नई एयरपोर्ट का भी रहा, जहां रनवे पर पानी भरने की वजह से उड़ानों को रोकना तक पड़ गया और जिन उड़ानों को एयरपोर्ट पर उतरना था उनका रास्ता डाइवर्ट करना पड़ा, यानी कि उनका रास्ता बदलना पड़ गया और साथ ही सड़कों पर जगह जगह पानी भरने से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है।